जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं विलुकअप फंक्शन के बारे में, कैसे इसका यूज करते हैं। और जब भी आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं किसी भी सेक्टर में, अगर एक्सेल के पर्पज से, तो फिर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे कि विलुकअप या लुकअप का यूज कैसे करते हैं, किस लिए किया जाता है। तो विलुकअप का पूरा नाम होता है, वी फॉर होता है वर्टिकल लुकअप, यानी कि वर्टिकल किसे रिलेट करता है, कॉलम से। यानी अगर हम वो डाटा कॉलम के फॉर्म में देखना होता है तो हम विलुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, फिर ये जो हेडिंग मैं लिख रहा हूँ वहाँ से। क्यों शाम को सिप्टूइंग का नाम क्या है? आपरीन नाम है। हाँ जैनब नाम है उसका, आपरीन तुम्हारा नाम है, तो वो शाम को ही आएगी ना, याद करिए। अटेंडेंस से पहले चेंज करना पड़ेगा उसको। तो आप लोग मना ली बकरी? अरे बता दे रहा हूँ, कोई कोई ऐसी बातें मत बोलना कि जो गलत है। तो इतना फिर ये हमारा हेडिंग, सेकंड हेडिंग क्या, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, इसमें मार्क्स वगैरह देंगे। रोल नंबर देखिए सिर्फ 1 2 पे नहीं फॉलो करता है, मैंने जो दे दिया ABC001, ABC002। अब देखिएगा दोनों को सिलेक्ट करिए और ड्रैग करिए, देखिएगा इस पे भी काम करेगा। इस पे भी काम करेगा, ठीक है। सबको बॉर्डर में कर लीजिए, स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं, हमारे पास नाम होगा। पेस्ट कर दिया और यहाँ क्या लगा दिया, फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगा दिया जाए? रैंड विटामिन का 35 से लेकर 90 के बीच के नंबर का एंटर। कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यू क्लिक करना, ठीक है। अब उसके बाद से आपको करना क्या है, जैसे ये हेडिंग लिखी हुई ना, ऐसे किस फॉर्म में लिखा है, रो के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक कॉलम में करना है, ऐसे लिखना है। मतलब जो चीजें ऐसे लिखी हुई ना, ये रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो हमें ऐसे लिखना है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ऐसे लिखना। तो अब तो या तो कॉपी एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर हाथ से टाइप करें, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप सब क्या करिए, सिलेक्ट करिए और कॉपी कर लीजिए, क्या कर लीजिए कॉपी, और जहाँ आना है वहां आ जाइए। अब जाहिर सी बात है, पेस्ट करेंगे तो कुछ खास इफेक्ट नहीं आने वाला, पेस्ट करेंगे तो जैसा है वैसा ही पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ अलग करना है, और कुछ अलग करना है तो कहाँ जाएंगे, स्पेशल, कुछ स्पेशल करेंगे ना, तो स्पेशल करिए ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है,
ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्तन करना होगा कुछ, बस क्लिक करिए ओके करिए, टाइम बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ से एक रोल नंबर कॉपी करना है और यहाँ रख के पेस्ट करना है, जैसे चूज फार्मूला में इंडेक्स को कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसा ही करना ही करना, नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब हमें ये पता करना है वीलुकअप फंक्शन का यूज करके कि इस रोल नंबर, जो भी रोल नंबर आपने यहाँ नोट किया है, उस रोल नंबर के मुताबिक उस बच्चे का नाम क्या है, उसने हिंदी में कितना पाया है, इंग्लिश में कितना पाया है, मैथ में कितना पाया है, साइंस में कितना पाया है, और यहाँ लिख देंगे ओबीटी मार्क, ओबीटी मार्क, और यहाँ कर देंगे परसेंटेज। ठीक है, कोई दिक्कत, इनको भी बॉर्डर को में कर दें। अब देखिए, तो पहली बात तो हम अगर बात करें कि सीट के मुताबिक स्टूडेंट नेम किस कॉलम में है, सीट के मुताबिक स्टूडेंट नेम किस कॉलम में है, हाँ के कॉलम में। अरे भाई डाटा है, डाटा ही है ना, किस कॉलम में, सी में। लेकिन अगर डाटा के हिसाब से अगर बात करें, सीट के हिसाब से नहीं, डाटा के हिसाब के, डाटा किस कॉलम में, सेकेंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर, सेकेंड कॉलम में स्टूडेंट नेम, थर्ड कॉलम में तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एबीसी वाले का नाम क्या है, फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू री लुकअप। मैंने बस यही बात कहा था कि एक्सेल में जो भी फार्मूला लगाते हैं, जो आपसे मांग रहा है वो उसी के बिहार पे काम करिए। अच्छा, पहला मांग रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब किसको देख के चलना है हमें, किसको देख के चलना है, इसी रोल नंबर को देख के चलना है ना हमें, जैसे वहां इंडेक्स नंबर को देख के चलना था या रोल नंबर को देख के चलना है, कामा। अब मांग रहा है टेबल, क्या मांग रहा है, टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब ये जो डाटा है आपका वो मांग रहा है, तभी ढूंढेगा इसमें से, कामा। पूछ रहा है कॉलम नंबर क्या है, स्टूडेंट नेम किस कॉलम है, फिर से वही बात, डाटा के हिसाब से सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कामा। और फॉर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम जीरो का यूज करते हैं, क्या करते हैं, जैसे टाइप के लिए वन का यूज करते हैं, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो का यूज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर। कह रहा है नाम परमा है, सही है क्या, हाँ चलिए। अब हम ड्रैग नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ बार बार फार्मूला बदलेगा, अब यहाँ फिर से लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या लेंगे बताइए आप लोग, रोल नंबर, क्योंकि इसी को देख के चलना है, कामा। टेबल में क्या लेंगे, पूरा टेबल कामा। कॉलम नंबर क्या होगा हिंदी के लिए, हाँ थ्री होगा कामा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो ब्रैकेट क्लोज। फिर से 84 नंबर पाया है हिंदी में, कह रहा है सही है, फिर से इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में क्या लेंगे, रोल नंबर कामा, टेबल में क्या लेंगे, पूरा डाटा पूरा टेबल कामा, कॉलम नंबर क्या होगा, फोर कामा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो ब्रैकेट क्लोज। देखिए फार्मूला वही लग रहा है, बस कॉलम नंबर बदल रहा है हर बार, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में रोल नंबर।